गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ किशन कुमार निर्वाण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है और थ्योरी ऑफ मशीन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्टेंट मोशन, ये कितने प्रकार के जो कंस्टेंट मोशन हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास थ्री टाइप्स कंस्टेंट मोशन, तीन प्रकार के जो मोशन है, तीन प्रकार से हम मोशन को प्रतिबंधित करते हैं, कंस्टेंट्स मोशंस, ठीक है। तो पहला होता है कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है? वेन मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कि दो ऑफ ए पेयर इज इन डिफाइन सिंगल डायरेक्शन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट इज़ नोन एज द कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। तो कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में मोशन इस प्रकार से हो कि उसके अंदर जो मोशन जो है फोर्स की जो डायरेक्शन जो है सिंगल डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में उसकी मोशन होती हो, चाहे उसमें फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जाए, वो फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो। तो ये इसमें ये कह रहा है व्हेन द मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर इज इन द डिफाइन डायरेक्शन, जो डिफाइन या एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही उसका मोशन होना चाहिए, वो किसी भी फोर्स की डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता हो, इनडिपेंडेंट हो फोर्स की डायरेक्शन से, ओके, इट इज़ नोन एज द कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इसके बारे में हम देखते हैं लाइक कि ये टर्निंग पेयर विथ कॉलर्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपके पास टर्निंग पेयर है और यहाँ पर कॉलर लगी हुई है, तो इसके अंदर ये इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो सकता है, इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो सकता। आप चाहे फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगाएं या फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, यानी कि आप जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें या एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, इसमें जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ टर्निंग मोशन ही होगा, ओनली सिंगल डायरेक्शन में ये मोशन होगा। और एक स्लाइडिंग पेयर इन होलो प्रिज्म में, अगर स्लाइडिंग पेयर जो देखिए आप, तो इसके अंदर जो है ये जो प्रिज्म है ये रोटेट नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइडिंग मोशन हो सकता है, चाहे इसके अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, चाहे फोर्स या इंक्लाइंड फोर्स लगाए, फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइडिंग मोशन करेगा और इसके अंदर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टर्निंग मोशन करेगा। तो कंस्टेंट में भी रोटरी या फिर लीनियर, जो कंस्टेंट जो है रोटरी और लीनियर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन एंड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो इट इज़ नोन एज द इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट मोशन के अंदर क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में जो मोशन है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकते हैं और वो डिपेंड करते हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें मोशन चेंज होता हो। एक से ज़्यादा डायरेक्शन में अगर कोई भी दो एलिमेंट के बीच में मोशन हो सकता है और वो डिपेंड करता हो फोर्स की डायरेक्शन पर, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। तो वो इस तरीके से होता है। इसके अंदर देखिए विदाउट कॉलर, टर्निंग पेयर विदाउट कॉलर, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेट होगा और अगर इस डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं तो ये स्लाइडिंग मोशन करता है। तो मे बी स्लाइड और मे बी रोटरी अप्लाइड डिपेंड ऑन द फोर्स, फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत मोशन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों ही मोशन जो है एक दूसरे से इंडिपेंड होते हैं, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली मोशन। उसके बाद देखते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। व्हेन मोशन बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, व्हेन मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन बट इट्स इन मेड टू हैव मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में मोशन जो है एक से ज़्यादा प्रकार से हो सकते हैं बट हम बाय एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से हम उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करने के लिए अगर हम प्रतिबंधित कर देते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल मीन्स इट इज़ कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। लाइक आप देखिए ये फुट स्टेप बियरिंग है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये फुट स्टेप बियरिंग और ये जो ये शाफ्ट आपकी जो ये शाफ्ट है वो रोटेट हो सकती है अपने एक्स के सापेक्ष और ये अप साइड के अंदर भी मोशन हो सकती है, बट हमने क्या किया यहाँ पे एक लोड अप्लाइड किया जिस वजह से ये केवल अब रोटेट हो सकती है, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकती।
ठीक है। इसी तरह से पिस्टन इन सिलेंडर, पिस्टन पिन के कारण सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, यह रोटरी मोशन नहीं कर सकता यहाँ पे पिस्टन पिन सोने की वजह से। और वाल्व ऑफ आईसी इंजन इज केप्ट ऑन द सीट बाय द फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स ऑफ स्प्रिंग के कारण सिर्फ जो वाल्व ऑफ जो आपकी सीट है वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो थे हमारे पास थ्री टाइप्स के थे। एक तो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, उसके दो में क्या होता है आपके फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो, आपका जो दो एलिमेंट के जो बीच में जो मोशन होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा चाहे आपकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो। सेकेंड था इनकम्प्लीटली मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, उसके अंदर वो फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड करता था, दो एलिमेंट के बीच में जो मोशन है वो फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड कर सकता था, वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र होता है। थर्ड था सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, इसके अंदर जो आपके दो एलिमेंट के बीच में जो मोशन है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन यानी दो या दो से भी ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं बाय, लेकिन बाह्य फोर्स की सहायता से हम उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं, उसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि फुट स्टेप बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग के अंदर हमने देखा था कि जो मोशन है वो एक तो अप डायरेक्शन में मूव हो सकता है और वो रोटेट हो सकता है, लेकिन लोड अप्लाइड कर करके हमें इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी एंड रेसिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, सबसे पहले ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ डज नॉट सफर एनी डिस्टॉर्शन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और उस फोर्स को अप्लाई करने पर उनकी दो बॉडी को उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता हो, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन इट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि दो पॉइंट के बीच में, उस बॉडी के दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कॉन्स्टेंट बनी रहती है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। एक होती है रेसिस्टेंट बॉडी, यानी कि दोज बॉडी विच आर रिजिड फॉर द पर्पज दे हैव टू सर्व, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसको हम अगर किसी काम में यूज ले रहे हैं तो उस काम के दौरान वो जो है एक एज ए रिजिड बॉडी की तरह व्यवहार करती है, उसको रेसिस्टेंट बॉडी कहते हैं। जैसे ए बेल्ट इज रिजिड व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, जब अगर हम बेल्ट ड्राइव ले रहे हैं तो उस बेल्ट ड्राइव के दौरान जो अगर उस पर टेंसाइल फोर्स के दौरान जो है वो एज ए रिजिड बॉडी की तरह वर्क करता है तो बेल्ट ड्राइव जो है रेसिस्टेंट बॉडी है। फ्लूड यानी कि कंप्रेसिबल फोर्स, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर जो फ्लूड है वो कंप्रेशन फोर्स के दौरान जो वो एज ए रेसिस्टेंट बॉडी की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें किसी भी बॉडी में अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन ऐसी कोई भी आदर्श या आइडियल बॉडी नहीं होती, रिजिड बॉडी नहीं होती। तो रेसिस्टेंट बॉडी वो होती है दोज बॉडी विच आर रिजिड फॉर द पर्पस दे हैव टू सर्व, अपने कार्य के दौरान वो एज ए रिजिड बॉडी की तरह वर्क करे। ओके okay?